देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया गया है 5,000 रुपये, टाइम दिया गया है 3 इयर्स, रेट दी गई है 10% पर एनम। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पी इजिकल टू, लिख लेंगे 5,000 रुपये और रेट दी गई है 10%, तो ये मैंने आर इजिकल टू 10% लिख लिया है। देखिए टाइम दिया गया है 3 इयर्स, तो ये मैंने एन इजिकल टू 3 इयर्स लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे फाइंड करने के लिए। तो ये फ्रेंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, तो ये से मैंने लिख लिया है। तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें पी और आर और एन की वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड पुट कर लेते हैं इस फार्मूले में ये वैल्यू। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, पी की जगह पर 5,000 पुट कर दिया है और आर की जगह पर 10 पुट कर दिया है, एन की जगह पर 3 पुट कर दिया है। तो फ्रेंड ये वैल्यूज पुट हो गई हैं, अब इसे हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड क्या करेंगे, जो ये स्मॉल ब्रैकेट है जहाँ पर से मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो यहाँ से 1 0 ऊपर का और 1 0 नीचे का ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड यहाँ पर बचा है 1/10 और आगे ये लिखा है प्लस, यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए फ्रेंड इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो ये फ्रेंड सी आई इजिकल टू 5,000, तो मैंने एच डी जैसे ही लिख लिया है, और यहाँ पर ये जो -1 लिखा है इसे भी मैंने एच डी जैसे ही लिख लिया है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है यहाँ पर से 1 + 1/10, इनको प्लस करेंगे। जब 1 + 1/10 को प्लस करेंगे तो 11/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो ये खाली स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पर 11/10 लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब 1 + 1/10 को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 11/10 आ जाएगा, तो इसे मैंने लिख लिया है। और इसकी जो पावर है यहाँ पर 3, इसको मैंने एच टी जैसे ही लगा लिया है। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। तो ये सी आई इक्वल टू 5,000 मैंने एच टी जैसे ही लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए मैंने क्या किया है, ये 11/10 पे होल क्यूब लगा है, तो मैंने 11 का क्यूब ये लिख करके लिख लिया है 1,331 और 10 का क्यूब करके नीचे लिख लिया है 1,000। तो अब फ्रेंड देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1,331/1,000 और -1 ये आगे लिखा है, इसे सिंप्लीफाई थोड़ा करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसे मैंने सी आई इजिकल टू 5,000 एच डी मैंने ऐसे लिख लिया है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो इसे जब फ्रेंड सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1,331 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 1,000 है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तब ये आ जाएगा यहाँ पर। अब 1,331 में से 1,000 जब माइनस कर देंगे तो ये ऊपर 331 बचेगा और जो नीचे 1,000 लिखा है इसे मैं एच डी जैसे ही लिख लिया है मैंने। तो फ्रेंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हैं इनको सॉल्व करने पर हमें 331/1,000 मिला है, तो इसकी जगह पर हम लोग ये 331/1,000 लिख लेंगे। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें। तो ये फ्रेंड मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए जो नीचे के यहाँ पर से ये 1,000 लिखा है और इनटू में 5,000 लिखा है, तो नीचे के ये 3 0 इन 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड जो बचा है इसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 5 मैंने लिख लिया है और यहाँ पर 331 बचा है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 331। तो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड क्या करेंगे, 5 × 331 की मल्टीप्लाई कराएं के लिखेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पर 5 × 331 की मल्टीप्लाई करा ली है, तो मल्टीप्लाई कराने पर हमें 1,655 आंसर ये आ गया है। तो फ्रेंड देखिए हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट डेट इज सी आई हमने फाइंड कर लिया है, जो कि 1,655 रुपये मिला है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।